लाइफ में जो हमारे साथ नेगेटिव हो जाता है, कुछ लोग हमारे साथ गलत कर देते हैं, बट स्टिल यू नो, अगर इफ यू सी दैट कि अगर हम भी उन चीजों के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि किसी ने मेरे साथ इतना गलत कर दिया और यू आर लाइक यू नो बर्निंग इनसाइड विद हेटरेड विद फॉर दैट पर्सन, तो इससे ना लाइक एक चीज तो है कि ऑफकोर्स उसने जो गलत करा था करा, आप भी अपने साथ गलत कर रहे हैं, यू आर नॉट फॉरगिविंग हिम एंड फॉर दैट रीजन यू आर ऑल्सो सफरिंग विद दैट। तो इस चीज़ आपको समझनी है कि अगर हमें हमारे साथ किसी ने गलत कह दिया तो लेट देम लेट दोज पर्सन गो यू नो एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि यू कैन नॉट यू नो रिमूव ऑल दोज पर्सन फ्रॉम योर माइंड, बट स्टिल आपको ये सोचना पड़ेगा कि उनको उनके बारे में सोच के या उनको उनसे रिलेटेड कुछ रिवेंज रख करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पहली चीज़ कि आप किसी भी इस तरह का डिज़ायर ना रखें जिससे दूसरों का नुकसान हो या आपका ही नुकसान हो। हेलो एवरीवन, दिस इज मिथिलेश, वेलकम टू कैलकू वाइब्स। सारथी बैच का इंग्लिश का ये फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम आज एक और पोम को करने जा रहे हैं जो कि है फायर एंड आइस। इससे पहले हम एक पोम फिनिश कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है, आप जाइए और से देखिए ज़रूर। ठीक है, आज हम एक पोम को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि फायर एंड आइस है, जिसको लिखा गया है सेम पोएट के थ्रू जिसने हमारा लास्ट पोम लिखा था जो कि था हमारा डस्ट ऑफ स्नो। तो हम देखेंगे आज फायर एंड आइस में क्या है। तो उससे जाने से पहले हम पोएट को फिर से जान लेते हैं कि पोएट क्या है और वो कहाँ से हैं। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट नॉन फॉर हिज सिंपल लैंग्वेज एंड डीप थीम्स ऑफ्टन सेंटर्ड एंड अराउंड द नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस। हिज पोम्स रिवील कॉम्प्लेक्स ट्रूथ अबाउट लाइफ थ्रू एवरीडे इवेंट्स एंड नेचुरल एलिमेंट्स मेकिंग हिज वर्क रिलेटेबल टू रीडर्स ऑफ ऑल एजेस। अगर आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वैसे तो ये अमेरिकन पोएट है, बट इन्होंने जितने भी अपने पोम्स लिखे हैं ज़्यादातर इनके पोम्स जो रहे हैं वो डेली लाइफ के एग्जांपल से रहे हैं। उन्होंने हमेशा ही डेली लाइफ की जो सिचुएशंस है, उससे उठने वाले जो प्रॉब्लम है, उसको अपने पोम की तरह डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, उसे समझाने की कोशिश करी है, उससे एक मैसेज देने की कोशिश करी है। आप कोई भी पोम उठा के देख लीजिए, आपको एक ऐसा मैसेज मिलेगा जो आप डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं, उसमें आप उस सिचुएशन में है ऐसे। तो आप ये पोम इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती है पढ़नी, नॉट जस्ट बिकॉज कि आपके एकेडमिक सिलेबस में इंक्लूडेड है, बट ऑल्सो कि जो हमारे रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उससे भी जो चीज़ें घटित होती हैं, जो इंसिडेंट हैपन होते हैं, वो उससे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। हम इस पोम को देखेंगे, इस पोम में क्या ऐसा नया दिया गया है जो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑफकोर्स आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारे पोम जो कि है फायर एंड आइस को। स्टार्ट करते हैं पोम को। पहले पोम को हम होलिस्टिकली पूरा एक बार पढ़ेंगे सही से। ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इस पोम को हमने होलिस्टिकली पढ़ लिया, इसको एक बार समझ भी लेंगे उसका बैकग्राउंड क्या है। तो बेसिकली जो पोएट है हमारा वो ये कहना चाहता है कि जो हमारी जो दुनिया है वो दोनों चीज़ों से फिनिश हो सकती है, चाहे वो फायर हो या फिर आइस हो। यहाँ पे फायर का मतलब नॉर्मल आग से नहीं है और आइस का मतलब नॉर्मल बर्फ़ से नहीं है। यहाँ पे फायर और आइस को एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो फायर है हमारा, ये जो फायर है इसको ये यहाँ पे जो फायर है वो डिज़ायर को सिंबलाइज कर रहा है, डिज़ायर कह लो या फिर ग्रीड कह लो। कि जो फायर होता है, डिज़ायर जो होता है फायर की तरह होता है। ठीक है, जितना भी आप ज़्यादा और डिज़ायर करते जाओगे उसकी इच्छा और बढ़ती चली जाएगी और आप और डिज़ायर करोगे। क्या डिज़ायर करना बुरा है गलत है हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। एंड यहाँ पे आइस है, आइस सिंबलाइज कर रहा है हेटरेड को, नफरत को, घृणा को, ये इसको सिंबलाइज कर रहा है। अब बात करते हैं पहले एक बार पोम को देख लेते हैं पहले कि इसने लाइन बाय लाइन इसने क्या करा। तो द पॉइंट सेज दैट द सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर से खत्म होगी, फायर मतलब इनफ ऑफ डिजायर। कौन से डिजायर्स की बात कर रहा है पोएट? डिजायर्स करना बुरी बात है कि नहीं? डिजायर करना बुरी बात नहीं है, डिजायर बहुत अच्छी चीज़ है। डिजायर से ही आप ये चीज़ें करते हो, हम भी ये कर रहे हैं, ये भी डिजायर से आप जो कर रहे हो वो भी डिजायर है आपके अंदर किसी चीज़ का करने का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिजायर कौन सा जो आपको ग्रीड तक ले जाता है? एक अच्छी ग्रीड भी हो सकती है, अच्छी चीज़ों की भी ग्रीड हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ उन डिज़ायर्स की जो सही नहीं है, जो जो आपको जो चीज़ जिन चीज़ों से आपके अंदर फियर आता हो, जैसे डिज़ायर से आपके अंदर एक तरह का कह लो कि जो आपके लिए एक अंदर नेगेटिव बिहेवियर क्रिएट करता हो, वो सारे डिज़ायर्स अच्छे नहीं हैं। सम से ही नाइस, लेकिन कुछ कहते हैं कि जो दुनिया है वो आइस से ख़त्म हो जाएगी,
बट आइस यहाँ पे हेटरेट को शो कर रहा है, तो आइस मतलब हेटरेट मतलब कि अगर या तो कुछ लोग कह रहे हैं तो फायर से क्या कहते खत्म हो गया, मतलब डिजायर जो है, या फिर हेटरेट से. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा है कि जहाँ तक मैंने डिजायर्स के बारे में देखा है, जितना मेरे को डिजायर से पता लगा है कि अगर हम किसी भी अनवांटेड जो सही टाइप का डिजायर नहीं है अगर हम वो रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो दुनिया है वो फायर से ही खत्म होगी. पॉइंट ऐसा कहता है. बट देन ही सेज इन द नेक्स्ट स्टैंजा दैट बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब यहाँ पे है टू एंड. एग्जाम्स में पूछ लेते हैं ऐसे वर्ड्स, पेरिश हो गया, सफाइस हो गया, मैं लिख दूंगा, ठीक है आप इसे लर्न कर लेना. इट बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पहले तो पोएट ये कह रहा है कि अगर मेरे अकॉर्डिंग देखो, वट एवर आई हैव यू नो हैड अ यू नो नॉलेज अबाउट द डिजायर, आई फेवर द फायर. मतलब ही सेज दैट कि मैं फायर को ही फेवर करूंगा कि दुनिया अगर खत्म हो रही है वो डिजायर से खत्म होने वाली है. बट नेक्स्ट टेंसर में वो कह रहा है कि अगर इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब अगर उसे दोबारा खत्म होना, दुनिया को एक और बार खत्म होना हो, तो इट इज इट कैन यू नो एंड विथ ट्वाइस, मतलब दोनों से ही खत्म हो सकती है, फायर से भी और आइस से भी, मतलब हेटेड से भी और डिजायर से भी. ये जितने भी आप वर्ल्ड वॉर्स देख रहे हो, जितने भी हुए या फिर कितनी भी लड़ाइयाँ देखते हो, उसका रीज़न क्या होता है? या तो किसी की बहुत बड़ी डिज़ायर होती है, लाइक अलेक्जेंडर, जैसे लोग अलेक्जेंडर जो था उनका डिज़ायर क्या था कि वो पूरी दुनिया जीतना चाहता था, उसको किसी से नफरत नहीं थी, बस दुनिया जीतना, इसलिए इतने कत्ल कर दिए उसने, इतने किलिंग कर दिए, इतने मैसेकर कर दिए, मतलब उसका उसका जो डिज़ायर का जो बेस था वही गलत था. लेकिन वहाँ पर बहुत लोग हिटलर जैसे भी है जो दूसरों से इतनी नफरत करते हैं, इतनी हेटरेट करते हैं, बस इसलिए उसने दुनिया को पूरे मतलब वर्ल्ड वॉर पे ले आया. तो दैट्स व्हाई द पोएट सेज दैट कि अगर हम आज के सिनेरियोस को देखें तो अगर दुनिया को खत्म होना हो तो उसके लिए फायर और डिजायर आइस दोनों ही फेवर करेंगे, जो दोनों की तरफ से दुनिया खत्म हो सकती है. सॉरी टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस इज ऑल्सो आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. सफाइस मीन्स यहां पे है सफिशियंट से. तो द पोएट सेज इन द नेक्स्ट लाइंस दैट कि अगर आइस से भी, आइस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे अगर दुनिया फिनिश हो सकती है. दिस इज व्हाट ही सजेस्ट कि आइस से भी बहुत, आइस भी कम है, मतलब सफिशियंट है कि आइस से भी फिनिश हो सकती है ये दुनिया, खत्म हो सकती है. ये तो था कि लाइन बाई लाइन हमने देख लिया, आपको मैसेज भी मिल ही गया हो कि द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट कि अगर दुनिया को खत्म होना है तो उसके लिए फायर और आइस दोनों ही सफिशियंट है, या दोनों में से कोई एक भी सफिशियंट है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप भी किसी भी इस तरह का डिजायर अपने अंदर रखते हैं जो कि सही नहीं है, जिससे दूसरों के लिए कुछ भी आप बेनिफिट नहीं, मतलब इवन इफ यू आर नॉट यू नो गिविंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, बट आप उसका उनका नुकसान भी तो नहीं करना चाहेंगे अपने डिजायर से. तो डिजायर वहीं तक सही है जहां जितने से आपका अच्छा हो और दूसरों का अच्छा हो. और हेटरेट तो बिल्कुल भी किसी से क्या ही रखना. बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ में जो हमारे साथ नेगेटिव हो जाता है, कुछ लोग हमारे साथ गलत कर देते हैं, बट स्टिल यू नो अगर इफ़ यू सी दैट कि अगर हम भी उन चीज़ों के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि किसी ने मेरे साथ इतना गलत कर दिया और यू आर लाइक यू नो बर्निंग इनसाइड विद हेटरेट विद फॉर दैट पर्सन, तो इससे ना लाइक एक चीज़ तो है कि ऑफकोर्स उसने जो गलत करा था करा, आप भी अपने साथ गलत कर रहे हैं, यू आर नॉट फॉरगिविंग हिम एंड फॉर दैट रीजन्स यू आर ऑल्सो सफरिंग विद दैट. तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर हमें हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया तो लेट देम लेट दोज पर्सन गो यू नो एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि यू कैन नॉट यू नो रिमूव ऑल दोज पर्सन फ्रॉम योर माइंड, बट स्टिल आपको ये सोचना पड़ेगा कि उनको उनके बारे में सोच के या उनको उनसे रिलेटेड कुछ रिवेंज रख करके आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो इसलिए पहली चीज़ कि आप किसी भी इस तरह का डिज़ायर ना रखें जिससे दूसरों का नुकसान हो या आपका ही नुकसान हो. और दूसरी बात, हेटरेट तो बिल्कुल भी ना रखें. इवन इफ यू इफ एनीवन हैज डन एनीथिंग रॉन्ग, ऑफकोर्स अगर किसी ने गलत किया आप उसके लिए लीगल एक्शन लिए, लेकिन उस पर्सन के प्रति या उस पर्सन को लेकर के किसी भी तरह का ना आप हेटरेट मत रखिए. उससे अल्टीमेटली आप ही सफर करने वाले हैं और कोई नहीं. फॉरगिव देम, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर द थिंग्स फॉर द मिस्टेक्स व्हाट दे हैड डन एंड व्हाट यू हैव डन एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. दिस इज व्हाट द पोएम सजेस्ट्स. ओके, आई होप आपको पोएम समझ में आया होगा. अब हम देख लेते हैं इसमें जो पोएट्री डिवाइसेस यूज हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पोएट्री डिवाइसेस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, इसमें कौन कौन से पोएट्री डिवाइसेस, पहले हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं. सबसे पहले अगर आप फर्स्ट लाइन को रीड करते हो, द फर्स्ट लाइन जो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम द वर्ड आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. ओके, सम, अगर आप देखो इन सब लाइन्स में आपको कुछ नजर आ रहा होगा,
यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा हो, और कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करने वाले कौन से पोम होते हैं, कौन से पोएट्री डिवाइस होते हैं, करवाया भाई बताओ। तो सेम साउंड रिपीट करने वाले हमारे पास, सॉरी आई नीड ब्लैक 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 एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जो पोएट्री डिवाइस है वो यूज हो रहा है जहां पे यहाँ पे रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड्स। अगर हम आगे देखें और तो कहीं पे और पोएट्री और रिपीट हो रहा है, आई थिंक आई नो इनफ, नहीं आगे नहीं देखा, ठीक है एनीवे आगे देखते हैं हमारे। अगर आपने जब इसे फर्स्ट रीड करा तो आपको कुछ नजर आया होगा, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सॉरी इन फायर, सम से इन आइस एंड एनीवेयर एल्स, नो। आप इन दोनों वर्ड को देखने से, इन दोनों वर्ड को जब आपने पढ़ा तो आपको क्या समझ में, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी। इमेज से याद है कौन सा पोएट्री डिवाइस है, बता रखा है भाई। तो यहाँ पे इमेजरी का भी यूज हुआ है। एलिट्रेशन के लिए हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं बस, वैसे तो दो है इसमें। सौ सौ का साउंड रिपीट होता है। इमेजरी के लिए आप फायर फायर ले लो और आइस ले लो, और कौन सा पोएट्री डिवाइस यूज हो रहा है इसमें, तो एलिट्रेशन तो यूज हो ही था। इसमें एक और पोएट्री डिवाइस यूज हो रहा है जो कि है सिंबलाइज, और वो कौन से हैं, स्टिल जो आपका फायर और आइस जो वर्ड है वही यहाँ पे सिंबलाइज भी कर रहा है। जो फायर है वो किसको सिंबलाइज कर रहा था, लिख दिया था मैंने, फायर जो है यहाँ पे डिजायर को सिंबलाइज कर रहा है, और जो आइस है वो यहाँ पे हेटेड को सिंबलाइज कर रहा है। और अगर हम देखें और कौन सा कोई डिवाइस इसमें यूज हो रहा है, एलिट्रेशन हो गया यूज, इमेजरी हो गया यूज, सिंबलाइज हो गया, एंड यहाँ पे मेटाफर भी यूज हो रहा है। मेटाफर क्या होता है बताओ, मेटाफर जो होता है वो ऐसा पोएट्री डिवाइस होता है जिसमें हम किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। यहाँ पे आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जो नज़र आ रही है जहाँ पे हमें लाइक और एज के बिना कंपेयर कर रहे हैं, देखो। तो यहाँ पे ये दो वर्ड स्टिल, दीज टू वर्ड्स फायर एंड आइस आर यूज इन अ मैनर दैट दे आर शोइंग मेटाफर पोएट्री डिवाइस। मेटाफर यहाँ पे आपको क्योंकि आप फायर एंड आइस इमेजरी भी शो कर रहा है, सिंबलाइज भी शो कर रहा है, मेटाफर भी शो कर रहा है, ऑफकोर्स ठीक है। एक ही चीज़ बहुत से दो से तीन या फिर उससे भी ज़्यादा कहते हैं पोएट्री डिवाइसेस का यूज किया जा सकता है फॉर द सेम थिंग, ओके। तो मेटाफर जो है यूज हो रहा है फॉर आइस, आइस का कंपेयर किया गया डायरेक्ट, है ना, राइट, नॉन लिविंग थिंग है ये, इसका कंपैरिजन करा जा रहा है, और हमारे पास फायर भी है, ओके। सो ऑल दीज आर ऑल पोएट्री डिवाइसेस व्हिच हैज बीन यूज्ड, एंड स्टिल यहाँ पे राइम स्कीम भी यूज हो रही है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर आपने रीड करा होगा तो आपको समझ में आएगा राइम स्कीम क्या होता है। सेम साउंड्स का पैटर्न जो है ना, साउंड्स का कुछ पैटर्न होता है जो पोएम की लाइन होती है उसके एंड में। तो पढ़ते हैं, इसे देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, उसको हम ए दे देते हैं। सम से इन आइस, मैच नहीं कर रहे है ना, तो हम इसको बी दे देते हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फायर और डिजायर सेम साउंड दे रहे हैं, तो इसको मैंने ए दिया, इसको भी मैं ए दे दूँ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फायर डिजायर फायर अगेन, इसको भी ए देना पड़ेगा। तो इस वाले में क्या यूज हो रहा है, हमारे पास ए बी ए और ए। फर्स्ट स्टैंजा में ये हमारी राइम स्कीम यूज हो रही है, ओके। सेकेंड स्टैंजा में अगर हम देखें तो इसमें बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने इसको ए नाम दे दिया है, ए लेटर का नाम दे दिया है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ट्वाइस इन हेट आर नॉट मैचिंग, राइट, द साउंड्स आर नॉट मैचिंग, सो वी विल नेम इट बी, ओके। सो इन द नेक्स्ट लाइन टू से दैट द फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस, ट्वाइस इन आइस लाइक यू नो सिमिलर साउंड, ओके। सो इसको ए दिया है तो इसको भी हम क्या दे देंगे, ए। इज ऑल्सो ग्रेट, हेट एंड ग्रेट, इसको बी दिया है तो इसको भी बी दे दो भाई। And woulds also suffice, okay? Twice ice suffice, similar है भाई, ठीक है, तो इसको भी हम A दे रहे हैं। तो third जो हमारे second stanza है उसमें कौन सी rhymes scheme use हो रही है, A B and A, पांच है ना भाई, पांच लाइन है, 1 2 3 4 yes, B, ठीक है भाई। So that's all,
ये हमारी थी पोएट्री डिवाइस और पोम, ठीक है। आपको ऑफकोर्स आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और कोई अभी अगर आपको डाउट है तो कमेंट्स में आप प्लीज़ अपने डाउट्स को शेयर करें, ठीक है, आपके डाउट्स को हैंडल करा जाएगा। और आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।